नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया और चैनल के माध्यम से हम आपका बहुत आभार मानते हैं। और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए, जो कि हम एकदम लेटेस्ट अपडेट वीडियो और एग्ज़ाम के लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर जितने बच्चे मतलब परेशान हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि 100% एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा तो होगा, क्योंकि जो जानकारियां मिलती हैं वो इसी माध्यम से इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि नई अपडेट क्या है या क्या नई अपडेट निकल के आई है वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। और जो लोग आपसे कह रहे हैं या कुछ चैनल वाले भड़का रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस जीतेंगे, तो पहले से ना तो हार जीतता है और ना तो जीतता है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने सारे मामले को समझा, जांचा, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में खारिज किया और आयोग को आदेश दिया री एग्ज़ाम के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ बड़ी अपडेट है, आपको देखना होगा। तो जो भी चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए, और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि पर्सनल कॉल ना करें, एक्चुअली ग्रुप है वीडियो का, तो उसमें आप अपनी राय जान सकते हैं, रख सकते हैं अपनी राय। चलिए आइए देखते हैं, वीडियो एग्ज़ाम 2018 की हम बात करेंगे। हमने बताया था आपको कि 27 मई को याचिका जारी हुई है, याचिका दायर हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका हाई कोर्ट था, यहाँ अभी सभी जितनी भी रिटें थी, ठीक, जितनी रिटें थी सब की सब खारिज नहीं हुई हैं, सब की सब खारिज नहीं हुई हैं। तो ये बड़ा अपडेट ये आपके लिए कि हाई कोर्ट में अभी रिटें खारिज नहीं हुई हैं, तो इसके लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। ये बड़ी खबर है कि अभी भी वह अप्रूव्ड नहीं हुआ है, तो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक। उसका कारण यह है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे याची नहीं बन पाए हैं, और सबसे पहले वो केस अप्रूव तब होगा, फेल होगा कि पास, अभी ये भी नहीं कह सकते। अभी ऐसा भी हो सकता है कि फेल हो कि पास, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के सारे सबूतों को चेक करेगी, क्यों, आखिर क्या कारण था कि हाई कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया कि री एग्ज़ाम कराया जाए। इन चीज़ों को अभी वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर वो अप्रूव करते हैं तो ज़्यादा समय वो नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल 4 साल इस पर ख़राब हो चुका है, तो वो ज़्यादा समय ना लेते हुए या अपने जो भी हैं फेल पास करने के, तो क्या वो अप्रूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए हैं। कुछ बच्चे चैनल पे ही मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं बनूंगा, क्योंकि री एग्ज़ाम तय है। परेशान वो है जिन्होंने पैसा दिया है, परेशान वो है जिन्होंने पैसा दिया, उनका पैसा खराब हो जाएगा, ठीक। तो अप्रूव्ड की स्थिति अभी नहीं है, अभी अप्रूव की आज 4 दिन हो गए हैं, अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है। और जैसे अप्रूव्ड होगा आपको एक फाइल नंबर मिलेगी, केस नंबर मिलेगा, आपको डेट मिलेगी, बहस की डेट मिलेगी, उस डेट पर ताकत लगानी होगी, उस डेट पर ताकत लगानी होगी, ठीक है। तो आज की अभी ये बड़ी न्यूज़ है कि आपके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो थी वो अभी अप्रूव नहीं हुई है, अभी वो पेंडिंग है, ठीक। तो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जितने बच्चे कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से तैयार रहे हैं। और कुछ बच्चे सब पूछ रहे थे कि सर री एग्ज़ाम जब होगा तो उसके लिए बुकें बता दीजिए, सबसे पहले बुक क्या है। मैंने इसी वीडियो में भी, नीचे जाएंगे आप तो देखेंगे री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट बुक को बनाया भी है, लिखा भी है, दिखाया भी है कि इस प्रकार से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आप लोग बिल्कुल सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए, आपका पेपर होके रहेगा और 100% ज़रूरत पड़ी इस पर तो और कोशिश करेंगे हम लोग। हाँ, कुछ बच्चे 12 मई को अधीनस्थ जाने वाले हैं, मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि अधीनस्थ जो बच्चे जा रहे हैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में अप्रूव तो होने दो, केस अप्रूव्ड हो जाए, केस चेक हो जाए, केस चेक कर ले माननीय सुप्रीम कोर्ट की लीगल है कि अनलीगल है, किस लीगल पे हाई कोर्ट ने इनको फेंका है बाहर, तो ये सब चेक तो होने दीजिए अभी आप। तो इसीलिए 12 मई को अभी कुछ लोग जा रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप बना के इकट्ठा भी हो गए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। चलिए देखते हैं
इसी प्रकार लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग की भी न्यूज कि शॉर्ट लिस्टिंग 2 से 3 दिन में या 4 दिन में होने की बात कही थी, अभी भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। तो आयोग उसकी पूरी तैयारी कर रहा है, अगले 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपको शॉर्ट लिस्ट की पूरी तैयारी। लेकिन आयोग ने वहाँ एक चीज़ गलत किया है, दोबारा फीस भरना पड़ेगा आपको 200-400। जिस प्रकार से उन्होंने महिला स्वास्थ्यकर्मी एग्ज़ाम जो होने जा रहा 8 मई को, उसके लिए उन्होंने किया है, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में के माध्यम से, इस न्यू अपडेट के माध्यम से हम आपको ताज़ी खबरों से वाकिफ रखते हैं, ताकि आप भी खुश रहें, बच्चे एग्जाम वाले ज़्यादा परेशान ना हो। और जी हाँ, जिन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको उल्टा सुलटा कमेंट करना हो, तो वो कृपया वीडियो को ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाते हैं, डालते हैं देखने के लिए, और आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए, मना बुलाने कौन जा रहा है। थैंक यू सो मच।